गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन परिसर में एक गाय काफी दिनों से बीमार पड़ी हुई थी, जिसका इलाज हिंदू युवावाहिनी के महामंत्री राकेश कुमार जायसवाल ने कराया। इलाज के दौरान उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए ब्रेक के बाद देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आरओ के है बड़े दाम, तो प्यूरिफायर से ही चलाते हो काम? अब नहीं, क्योंकि एक्वासॉफ्ट ले आया है नया आरओ, वो भी प्यूरिफायर के दाम में। अब अच्छी हेल्थ किफायती दाम में, सिर्फ 7,990 रुपए में। हाँ, 7,990। एक्वासॉफ्ट आरओ, 15 साल का विश्वास। अच्छा बता दीजिए, मेरा नाम राकेश कुमार जायसवाल है, मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला महामंत्री हूँ। सर, इस गाय के साथ क्या हुआ है? ये गाय 2-3 दिनों से बीमार थी, ऐसा फोन करके हमको बताया गया कि 2-3 दिन से गाय बीमार है, सिटी स्टेशन पे पड़ी हुई है। मैंने तत्काल यहाँ के गाजीपुर के CBO मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को फ़ोन किया और इस बात से अवगत कराया कि वहाँ एक गाय बीमार पड़ी हुई है। तो उन्होंने एक सचल वाहन इनके लिए चलती है, जो गाय लवारिस गिरी रहती है उसके लिए सचल वाहन चलती है। उस सचल वाहन को CBO के द्वारा भेजा गया, लेकिन उस सचल वाहन में न कोई दवा थी, न गाय का गंदगी हुआ है। मैंने फिनाइल की बात किया तो फिनाइल भी नहीं थी। फिर मैंने जिलाधिकारी गाजीपुर से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी CBO को बोलता हूँ। CBO को उन्होंने बोला तो CBO ने मुझे पुनः फ़ोन करके बात किया और फिर यही हवाला दिया कि फिनाइल नहीं है, गाड़ी में फिनाइल है, CBO के द्वारा कहा गया, लेकिन गाड़ी में कोई फिनाइल नहीं निकली, कोई दवा नहीं निकली। इस CBO जो गाजीपुर का है, इसका ऑडियो एक बार वायरल हो चुका है, ये भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है, और इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है।